Pinu friends, man deep, one life to ride. आज पहली तारीख 2020 है और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ और काफ़ी समय हो गया. आज इस समय बज रहा है 12:15 और हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर में. मेरा फ्रेंड मुक्तेश्वर जा रहे हैं मुक्तेश्वर घूमने. सुना हुआ स्नोफॉल हो रहा है तो लखनऊ से लेकर मुक्तेश्वर की ड्राइव लगभग 430 किलोमीटर की और ये होंडा WRV हमारी और इससे जा रहे हैं. सो होप सो रात अच्छी रहे, अच्छे से ड्राइव मिले, कोहरा ना मिले. फॉग लाइट भी लगाई है. ठंडा है पर कोहरा इतना नहीं है, पर हो सकता हाईवे पे मिले. आप लोग देख रहे होंगे पिछले लद्दाख और कई वीडियोस देखे, सेहत थोड़ी डाउन हो गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो काफ़ी दिन से ड्राइव नहीं कर सका और मैंने अपनी बुलेट भी सेल कर दी है. पर हाँ, बुलेट नहीं है तो गाड़ी तो है ही घूमने के लिए और दिखाने के लिए. सो फ्रेंड्स, इंजॉय करते हैं रात और जैसा होता है आगे का बताते हैं. अगर वो किस तरह से है, यहाँ से जाएंगे मलियाबाद, रहीमाबाद, संडीला, हरदोई, शाहबाद, शाहजहाँपुर, बरेली, फिर बरेली से नैनीताल का रास्ता जो कि है किच्छा होते हुए पंतनगर, बहेड़ी, फिर आएगा हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल, भवाली और भवाली से फिर राइट कट के सीधे रामनगर होते हुए सीधे मुक्तेश्वर. तो ड्राइव काफ़ी लंबी है तो देखते हैं. पीछे हमारी योगी भाई आ रहे हैं. वो दूर, अरे वापस चले गए लगता, भूल गए. ये पाइप लेकर आ रहे हैं. भैया पाइप लेकर क्यों आए? मुबारक को सफर. पाइप इसलिए लेकर आए, कहीं मार वार तो करने जा नहीं रहे हम लोग, पर हाँ फिर भी सेफ्टी के लिए, क्योंकि रात का सफर है और काफी लंबा सफर है. रुको रुको हम रखते हैं, तो मिलते हैं फ्रेंड्स. वन लाइफ टू राइड. हमारे योगी भाई साहब सो रहे हैं. और बरेली बाईपास पे हम लोग इस समय. गाड़ी का टेम्परेचर दिख नहीं रहा होगा पर 11 डिग्री है और अभी 95 किलोमीटर हल्द्वानी जाना है. टाइम हो रहा है 3:50. हाँ थोड़ा मेरा 10 मिनट स्लो है और रास्ता थोड़ा खराब है श्रीरामपुर से बरेली के बीच में, पर अच्छा मौसम है, फॉग नहीं है सबसे बड़ी बात. आज की रात फॉग नहीं है एंड हम लोग अभी बस थोड़ी ही देर में नैनीताल वाली रोड पे आ जाएंगे. और क्या, सो तो रहे थे.
अभी जब वो भी लगी जम्मू से वीडियो बना ली मैं। हाँ हाँ रोड काफी खराब थी शराबपुर के बीच में, अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा थे, इतने सालों से बन के नहीं दे रही है। और टोटल अभी 3 घंटा 50 मिनट बरेली बाईपास पे क्रॉस कर रहे हैं। वेदर भी अच्छा है, ज्यादा ठंडा नहीं है। Prepare to keep right after 800 meters. ओहो बरेली बाईपास से उतर रहे हैं मिस्टर योगी। टेक द नेक्स्ट शॉर्ट लेफ्ट। रास्ता तो है यार, दिख तो रहा है। हाँ रास्ता है। In 350 meters, turn left onto SH37. NH37. So now we are reaching Naital Road, Kathgodam Road. Turn left. Yes, now we are on Naital Road. और अब टोल प्लाजा आ रहा है अल्मोड़ा 150. The speed limit is 50 km/h. टोल गेट वैसे अभी तक इस पूरे रास्ते पे लखनऊ से बरेली हरदोई होते हुए कहीं टोल नहीं देना पड़ा, ये अच्छी बात है, वरना इतना टोल प्राइवेट टैक्सी के लिए बहुत ज्यादा है। यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि रोड अच्छी है यहाँ पे। साइड में पटरी चलती ट्रेन की और कार जीप वैन हल्का वाहन 5 रुपए, 5 रुपए तो नहीं होगा भाई। जीरो बिगड़ गया होगा, सही बात बोल रहे हो। नो इट्स 85, 8 बिगड़ गया शायद। ये फास्ट टैग वाली लेन में तो बिल्कुल नहीं जाना है, सीरियसली फास्ट टैग चलता ही नहीं है भैया, मेरे तो डबल पैसे लगे, मैं बहुत परेशान हो गया फास्ट टैग से। हम लोग का यहाँ पे टोल प्लाजा है बरेली नैनीताल एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे तो नहीं हाईवे कह सकते हैं, 85। और मिस्टर योगी फिर सोने के तैयारी में है, हाँ दोहना स्टेशन। चलते हैं सीधे पहाड़ों की ओर। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वन लाइफ टू राइड। और हम लोग इस समय उत्तराखंड प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है नैनीताल 74 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 4:55
50 मिनट मींस 5 बज गया। वाओ किच्चा 6 किलोमीटर थोड़ा सा खराब रास्ता, ये सितारगंज पीलीभीत के लिए रास्ता जा रहा है। और सबसे खुशी की बात मिस्टर योगी कि बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी का मतलब है कि ऊपर बर्फ गिरने वाली है, तो जल्दी जल्दी हम लोग नैनीताल तो नहीं जाएंगे पर हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम से सीधे भीमताल भवाली और मुक्तेश्वर, क्योंकि आज का फोरकास्ट है मुक्तेश्वर में स्नोफॉल, बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ थोड़ी सी रोड खराब है, कभी नहीं बनी, शायद तराई एरिया है और ये लगता बाइकर्स भी जा रहे हैं। यूपी 25 बरेली की इनको भी लगता पता चल गया है क्या भाई साहब। और 36 किलोमीटर्स रह गया है हल्द्वानी, तो मिलते हैं हल्द्वानी। फ्रेंड्स हम लोग कहाँ लाल कुएं आ गए हैं, 15 किलोमीटर रह गया है काठगोदाम हल्द्वानी, मतलब वहां से 5 किलोमीटर काठगोदाम। और ये शुगर मिल है, लाल कुएं की शुगर मिल है और टेम्परेचर इस समय गाड़ी शो कर रही है 11 डिग्री गाड़ी शो कर रही है और काफी पतला रास्ता है, बूंदाबांदी हो रही है और 5:17 हो रहे हैं। लाल कुआं है, नैनीताल एक्सप्रेस यहीं तक आती थी लाल कुएं तक। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग हल्द्वानी आ गए हैं और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्म है, 16 डिग्री शो कर रही है गाड़ी। कॉर्बेट दिल्ली रामपुर नैनीताल 34 रानीखेत 83 अल्मोड़ा 86 काठगोदाम आ गए हैं। भवाली 32 किलोमीटर है, गाड़ी का टेम्परेचर 15 डिग्री और चाय पिया जाए, चाय बन रही है और ये
आगे भी चाय है, चाय पिया जाए कि सीधे ऊपर चला जाए? चाय पी ली जाए, चलो चाय पीते हैं। ये रेलवे स्टेशन का रास्ता है, थोड़ा गाड़ी किनारे लगा ले, है ना? चाय वही अच्छी बना रहा था शाम। अच्छा, चाय वाला चाय पीते हैं। टाइम हो रहा है 5:47। बहुत अच्छा लग रहा है काठगोदाम पहुंच के। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त पर इतना ठंडा नहीं है जितना लखनऊ में। ना मुंह से धुआं निकल रहा, ना भाप निकल रही, ना कुछ। अभी निकल तो रहा बस, चलते हैं अब ऊपर।